एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, RSIT एग्जाम 3 अक्टूबर होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आज हम आपके लिए लेके आए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी आप आज आपके लिए अंतिम दिन है और कल सीधा ही आपके हाथों में होगा पेपर। तो फ्रेंड्स, इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपने उन दोनों महा मैराथन क्लास को नहीं देखी है जो हमने 2 दिन पहले अपलोड की है, तो फ्रेंड्स उन महा मैराथन क्लास को आप अवश्य रूप से देखें, क्योंकि उन सभी दोनों वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे वीडियो है जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सॉल्यूशन किया गया है। और फ्रेंड्स, संपूर्ण RSIT का एकदम आपको परमानेंटली फ्रेंड्स निचोड़ करना है, तो फ्रेंड्स उन महा मैराथन क्लास को अवश्य देखें। अलग से फ्रेंड्स प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहाँ पे आप जाके महा मैराथन प्लेलिस्ट को खोलते हुए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप इसका क्या राइट आंसर देंगे? फ्रेंड्स, शाम 7 बजे हमारी बहुत बड़ी एक लाइव क्लास आएगी और फ्रेंड्स एक हमारी आएगी 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर महत्वपूर्ण MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। तो रात 9 बजे वाली लाइव के क्लास के अंदर आप अवश्य रूप से ज्वाइन होइए और इसके अलावा फ्रेंड्स 7 बजे आने वाली लाइव क्लास को भी आप अवश्य रूप से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आज ही आपको करना है सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आज आपको परिश्रम करना है, उसके बाद में कल तो सीधा ही आपके हाथ में पेपर होगा। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, इंफोपाथ 2010, पब्लिशर 2010 या फोटोपेंट 2010? तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने क्वेश्चन काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो आपको लग रहा है कि रिपीट है, लेकिन रिपीट वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर रिपीट होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिवाइजेशन के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, फोटो पेंट 2010। ये पेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल का भाग नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देखो, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? तो फ्रेंड्स साइबर खतरा किसको कहा जाता है, यानी वेब प्लेटफॉर्म जहाँ से फ्रेंड्स आपको नुकसान पहुँचाने वाले प्रतीत होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन जहाँ से आपके कंप्यूटर को हानि पहुँचती है वो साइबर खतरे कहलाएंगे, मेलवेयर, फिशिंग, पासवर्ड हमले। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो आपके सामने दे रखे हैं इन सभी को क्या कहा जाएगा, ये सभी के सभी फ्रेंड्स किसके प्रकार है, साइबर खतरे के प्रकार है, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूंगा क्योंकि फ्रेंड्स आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण 6 मॉडल पेपर आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर संपूर्ण RSIT का निचोड़ हो जाएगा और फ्रेंड्स वो 6 वीडियो आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है यूजर अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी के अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड अकाउंट और हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विंडोज इंटरफेस पर खाली जगह पर आधारित है। फ्रेंड्स विंडोज इंटरफेस किस पर आधारित है, GUI, क्लिपबोर्ड, एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई नहीं? तो आपको ध्यान देना है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आप वहाँ पे याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ GUI। फ्रेंड्स आप सभी को याद है GUI का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो यहाँ पे आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, GUI हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन या टर्म पेपर?
तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बात हो रही है एमएस वर्ड की, और इसमें एक विकल्प ऐसा दे रखा है जो पूरी तरह से पावर पॉइंट पे निर्भर है, तो आपको ध्यान देना है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये किससे संबंधित होता है, ये तो पावर पॉइंट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पावर पॉइंट से संबंधित होता है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। वर्ड रैप का अर्थ है शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट को सर्वत्र अगली लाइन में पहुंचना, या फिर कोई नहीं। तो वर्ड रैप का मतलब ही होता है कि जैसे ही आपकी लाइन पूरी हो जाए तो उस लाइन को आगे वाली लाइन तक पहुंचाना, यानी टेक्स्ट का सर्वत्र अगली लाइन में पहुंचना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? नई विंडोज खोलना, सभी विंडोज अरेंज करना, विंडोज बंद करना, या एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो फ्रेंड्स स्प्लिट ऑप्शन का नाम आते ही वो दो भागों में बांटने का कार्य करता है। शायद टेबल को काम कर दो भागों में बांटना, तो टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्लिट टेबल के द्वारा हो जाएगी दो भागों में। यहाँ पे बात हो रही है स्प्लिट का, तो यहाँ पे कोई टेबल के बारे में बात नहीं होता। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, विंडोज को दो भागों में बांटना, क्या हो जाएगा, विंडोज को दो भागों में बांटना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेंगे, इंक या बूंदों का इस्तेमाल करते हुए, कौन सा हो जाएगा, इंक जेट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ लेजर और लेजर का कभी क्वेश्चन बनता है तो या तो बनता है टोनर के बारे में, किसके बारे में बनता है, टोनर के बारे में, या फिर बनता है ब्लैक पाउडर के बारे में। तो ये थोड़ा आप इससे जो वर्ड है ये मतलब आप थोड़ा याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को सर्वत्र जांच लेता है। क्वेश्चन नंबर ये जो नौवा है ये दूसरे टॉपिक से बना है और बार बार ये क्वेश्चन बनता है। मैंने कई बार इनका मतलब क्वेश्चन बना हुआ देखा मॉडल पेपर के अंदर और मेन एग्जाम के अंदर। बहुविकल्प परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को सर्वत्र जांच लेता है, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है फ्रेंड्स ओमआर शीट, OMR होता है, OMR एक मशीन का नाम है जो इनपुट की श्रेणी में आता है, और इसके द्वारा जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है जिसको OMR शीट कहा जाता है, इसी OMR शीट को फ्रेंड्स जांचने वाला जो मशीन होता है वो कौन सा होता है, OMR होता है। MICR फ्रेंड्स ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो बैंक के अंदर चेक क्लियरिंग अन्य दस्तावेज को जांचने के लिए काम में लिया जाता है। BCR का पूरा नाम होता है बारकोड रीडर, ये फ्रेंड्स एक खड़ी एक लाइन श्रृंखला होती है जो एक विशेष कोड के द्वारा पहचान करती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है BCR, MICR, OMR ये सभी के सभी इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर लिखा हुआ, तो क्या करेंगे राइट आंसर, वेब खाली जगह में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। फ्रेंड्स एक से ज़्यादा वेब पेज, यानी एक से ज़्यादा वेब पेज कहाँ पे होंगे, हब साइट स्टोरी या टेम्पलेट। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइट हो जाएगा। फ्रेंड्स वेबसाइट इज ए वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। फ्रेंड्स वेब पेज का समूह ही क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, इसका साइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में वॉटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट या प्रीव्यू। फ्रेंड्स आपको याद रखना है रिव्यू, पेज लेआउट, इंसर्ट टैब या होम टैब। तो सभी विद्यार्थी आपको याद से याद रखना है कि वॉटरमार्क का कभी क्वेश्चन बनता है ये गोस्टेड टेक्स्ट के रूप में, पारदर्शी के रूप में, आपके बैकग्राउंड के रूप में एक लिखने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक कमांड होता है जो किस टैब या किस मेन्यू में होता है, पेज लेआउट वेब मेन्यू में हो जाएगा। पेज लेआउट टैब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ्रेंड्स ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर या इटैलिक। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे याद रखना है सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट किसका प्रकार है, एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये किसका प्रकार है, फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है, जिसके अंदर हम सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू सब देखते हैं। अगर सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, सुपर स्क्रिप्ट की अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जल्दी बताओ,
आपको ध्यान देना है कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको एग्जाम में याद रखना है क्वेश्चन बने तो। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मॉडल एंड कवर्ड, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको 13वां का यहाँ पे याद रखना है, 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। नाम याद रख लेना है किसका प्रकार है, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार के अंदर कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की एक सीमा है, स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। तो फ्रेंड्स स्पीड होती है, शुद्धता होता है, परिश्रम होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको याद रखना है बुद्धि का अभाव कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी कंप्यूटर के जो सोचने की क्षमता होती है बिल्कुल नहीं होती है। इसका जो IQ होता है वो IQ क्या होता है, IQ इसका जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है, वास्तव में लागू नहीं करता, मल्टीटास्किंग यानी एक समय में बहुत सारा कार्य करने में असक्षम है, विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 98 या MS-DOS। तो ये मैंने आपको बोला हुआ है कई बार मॉडल पेपर के अंदर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये और यूनिक्स, MS-DOS और यूनिक्स ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं, ये CUI की श्रेणी में आते हैं, और ये क्या करते हैं वास्तविक समय में, एक वास्तविक समय में मतलब इंप्लीमेंट को लागू नहीं करते हैं, यानी कुल मिला के मल्टीटास्किंग वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या फिर कोई नहीं। तो सर्च इंजन की बात हो रही है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सर्वाधिक यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा होता है, गूगल होता है, और ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने इस चैनल के ऊपर RSAT एग्जाम 3 अक्टूबर के लिए स्पेशल हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप एक बार देख लीजिए एग्जाम से पहले, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस हमने महामैराथन क्लास के नाम से भी एक क्या बनाई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार की है, इसके अंदर आपको जितने भी महामैराथन वीडियो है, जैसे एक पुरानी क्लास है और दो नई जो दो दिन के अंदर अपलोड की गई है, उन सभी क्लास को देखें ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ओरेकल कर देंगे, क्या करेंगे, ओरेकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, जीमेल, मिंत्रा, राउटर या टॉप लेवल डोमेन। तो ईमेल क्लाइंट मतलब आपको याद रखना ही है, सर्वाधिक ईमेल क्लाइंट का प्रारूप यहाँ पे आपको याद रखना है जीमेल हो जाएगा। इस जीमेल का पूरा नाम ही होता है फ्रेंड्स गूगल मेल होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, भीम का पूरा नाम होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, दोनों या कोई नहीं। तो ये एक UPI टाइप का फ्रेंड्स एक मोबाइल, यहाँ पे आप मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा, मोबाइल वॉलेट के अंदर आ जाएगा, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के अंदर आ जाएगा। आपको याद रखना है इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाए तो क्या करेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है इसी तरह से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, UPI पेमेंट में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है UPI की बात हो रही है और UPI में पुश टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहाँ पे आप किस लिए करते हैं पुश टेक्नोलॉजी, जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जैसे आप पेमेंट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप याद कर रखना है आपको पुश टेक्नोलॉजी यानी पुश बटन को दबाया जाता है, यहाँ पे पैसा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने लायक, बहुत सारे इस मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप इस मॉडल पेपर के शुरुआत से लगा के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सके। निम्न में से कौन सा मोबाइल का एक उदाहरण नहीं है, फ्रेंड्स मोबाइल नहीं है, मोबाइल वॉलेट समझना है। निम्न में से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, लेकिन नीचे दिया हुआ क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड एक बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड के प्रकार होते हैं जहाँ से आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे आपको याद रखना है मोबाइल वॉलेट के श्रेणी में ये नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ई कॉमर्स की बात हो रही है तो ई कॉमर्स किसको कहा जाता है? ऑनलाइन माध्यम से किसी के ऊपर वस्तु को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। और यहाँ पे एक नाम दे रखा है यहाँ पे फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट क्या होता है यहाँ पे ई कॉमर्स का प्रकार हो जाएगा। बाकी फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण, ट्विटर भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हो फ्लिपकार्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, शाम सात बजे एक लाइव क्लास होगी और रात 9 बजे लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाएगा। उसमें ओनली फॉर 9 वाली क्लास में हम ओनली फॉर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को शामिल करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए। सबसे ज़्यादा मतलब जो आपके टर्निंग पॉइंट के लिए यहाँ पे टॉपिक होते हैं वो होते हैं एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट, और उन्हीं में से हम बना बना के आपके सामने क्वेश्चन पेश करेंगे। तो सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। रात 9 बजे लाइव क्लास के लिए तैयार रहना। राज एईएम क्या है? एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, दोनों या कोई नहीं? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार कार्ड नंबर के जरिए पंजीकरण, भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण? तो ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो ये दोनों विकल्प ही सही माने जाएंगे। आपको जो उचित लगे उसका उपयोग करते हुए आप एसएसओ के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या सभी? तो आपको ध्यान रखना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कभी क्वेश्चन बनता है तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसके प्रकार? ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन ऑनलाइन चैट का उदाहरण है? स्काइप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर या ऑल ऑफ अबव? तो इन सभी का उपयोग करते हो ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, तो आप सभी यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी आपके लिए मतलब मात्र एक दिन का भी समय नहीं बचा है। कल आपको इससे यहाँ पे ये जो टाइम हो रखा है इस तक तो आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो भी करना है आज दोपहर तक का टाइम है और एक नाइट तक जो भी आपको पढ़ना है वो जरूर पढ़ लीजिए। रात 9 बजे जो लाइव क्लास आएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, ताकि आपको विशेष रूप से एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टफ बनने की संभावना रहती है, तो उन तीनों के टॉपिक को हम विश्लेषण के द्वारा तैयार करके आपके सामने पेश करेंगे, जिसके अंदर कम से कम आपके एग्जाम में बनते 15 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनने की कोई संभावना रहती है। उन्हीं टॉपिक के बारे में हम रात 9 बजे लाइव क्लास के अंदर मिलेंगे। इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि, सर्चिंग, संचार, खरीदारी या मनोरंजन? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे जो प्रसिद्ध हो जाएगी गतिविधि वो कौन सी है? संचार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संचार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ संचार, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है? पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या उपरोक्त सभी? तो आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर की रेजुलेशन की बात हो तो आपको याद रखना है किसमें मापा जाएगा? पिक्सल्स में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा? पिक्सल। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिक्सल में मापा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको याद रखना है 7 बजे फ्रेंड आपको याद रखना है शाम 7 बजे आपके लिए एक लाइव क्लास होगी, और एक फ्रेंड्स आपके लिए 4 बजे एक और भी पेपर आपके सामने उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटली हमारे YouTube चैनल के ऊपर 6 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, या फिर इसके आपके बढ़ते हुए आगे वाले क्वेश्चन की और 2 कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा? इंटरनेट, ईमेल, ईप्रॉम या इंटरफेस? तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ इंटरफेस, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 405,
सेक्शन 404, सेक्शन 406 या 407। तो आपको याद रखना है विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा के अंदर आएगा, आपको याद रखना है 406, सेक्शन 406 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड या कीबोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन बनने लायक है, पूरी तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको याद रखना है कीबोर्ड हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड तो किसका, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ही नहीं। कीबोर्ड किसका उदाहरण माना जाएगा, हार्डवेयर का उदाहरण माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है रुपे, वीजा, मास्टर या मेस्ट्रो। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो भारतीय भुगतान निगम द्वारा क्या जारी किया गया है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे रुपे। यहाँ पे आपको याद रखना क्या हो जाएगा, राइट आंसर रुपे हो जाएगा, बिल्कुल रुपे एक मतलब छोटा प्लास्टिक कार्ड है, एक डेबिट कार्ड का प्रकार है, जो कौन जारी करता है, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती हैं और आमतौर पर इनमें स्टार्ट मेन्यू होता है, टास्क बार, आइकन, माइक्रोसॉफ्ट या फायरवॉल। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे 33वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा 33वें का राइट आंसर, टास्क बार हो जाएगा, बिल्कुल टास्क बार यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इस टॉपिक का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर्स से क्या कर सकते हैं, खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है या कोई नहीं। तो अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुली हुई जो फाइल होती है उसको आप अन्य नाम से सेव करवा सकते हैं। और टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, कंसंटेंट फंक्शन से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्यों से अधिकतम मान, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग के स्ट्रिंग को जोड़ता है, सेल रेंज में आइटम्स की संख्या गिनता है या कोई नहीं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर क्या करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपको ध्यान देना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक जो टेक्स्ट होते हैं उसके स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी जो बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे अति महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप वो भी कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स मैं एक बार और भी बोल देता हूँ, अभी फ्रेंड्स हमारा कुछ एक टाइम के बाद और एक मॉडल पेपर आएगा 4 बजे, और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 7:00 एक लाइव क्लास होगी और एक क्लास होगी फ्रेंड्स 9:00। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्लास को आप कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्लास के अंदर आपको मिलेगा 100% परिणाम देने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं ये भी बोल देता हूँ आप उन माँ मैराथन क्लास को अवश्य देखें, ताकि आपको एग्जाम में उचित से उचित हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स एक कल अपलोड की गई, एक दो दिन पहले अपलोड की गई है, दोनों वीडियो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और एक तो पहले डोज के अंदर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 1 से लगा के 7 टॉपिक तक विश्लेषण किया है, और सेकेंड वाले जो माँ मैराथन पेपर जो पार्ट है 2 है उसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है 8 से लगा के 16 चैप्टर, यानी सभी का सभी RSCIT ओनली फॉर 2 वीडियो के अंदर आपके सामने प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाला जितने भी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की जो सीरीज होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।